हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर पी आर लाइफ स्टाइल। मैं वर्षा आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे टॉप 3 मॉइस्चराइजर जो कि विंटर्स में मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मेरे ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे जाते हैं, बिल्कुल भी इसमें ऑयली लुक नहीं आता। और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लास्ट में एक फिनिश मिलेगा, मैट फिनिश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे ये टॉप 3 मॉइस्चराइजर के साथ। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक पॉन्ड्स का, एक लैक्मे एंड एक हिमालय, ये 3 मॉइस्चराइजर रखे हुए हैं। तो यही है मेरे तीनों बेस्ट मॉइस्चराइजर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरे पॉन्ड्स की, बिकॉज मैंने सबसे पहले इसको ही ट्राई किया था। तो ये जो है मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश देता है, लाइट मॉइस्चराइजर है फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई एंड ग्लिसरीन इसके साथ है। ये सबसे अफोर्डेबल है ये तीनों के तीनों। आप अगर विंटर्स में अच्छा और अफोर्डेबल ढूंढ रहे तो आप इन तीनों के साथ जा सकते हैं, कोई सा भी आप परचेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट होता है। एंड इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये मेरा फिनिश होने वाला है। बैकअप के लिए मैंने एक और रखा है, तो आप देख सकते हैं ये 40 रुपीज़ का है। पहले ये 35 का आता था, बट ये अब 5 रुपीज़ कॉस्टली हो चुका है, बिकॉज डिमांड के साथ साथ प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ ही जाती है एवरी ईयर। सो ये है मेरा फर्स्ट मॉइस्चराइजर। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है, जिससे कि आपका लिड गंदा ना हो। ये ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है, अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप जा सकते हैं इसके साथ। एंड जो सेकंड वन है वो है लैक्मे पीच मिल्क। ये पहले था 120 का, बट आप देख रहे हैं इसका प्राइस लेस हो गया है, बिकॉज और मॉइस्चराइजर के आगे इसका जो सेल था वो शायद मेरे अकॉर्डिंग कम हुआ था, क्योंकि मैंने इसका लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह देखे थे। तो मैंने जब लिया था तब मुझे इतना ही मिला था, बट ये अब 99 का है। मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप है, आपका कोई भी स्किन हो आपके साथ जा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है अगर आप मेकअप करते हो उससे पहले, अगर आपको ड्राई स्किन, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, बिकॉज इससे आपका थोड़ा ड्राई स्किन वालों के लिए ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। ऑयल के लिए दोनों जाएगा, बट विंटर्स में आप इसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है विंटर्स के लिए। सो ये भी अच्छा है मेरा, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, पीच है ये, नॉन ग्रेसी है ये भी, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। और प्राइस की मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेल्फ लाइफ इसकी 3 ईयर है, 19, 20, 21, तो आप इसको 3 साल रख सकते हैं। एंड लास्ट जो है मेरा हिमालय का है, ये मेरा अब तक का बेस्ट है। ये मैंने इन दोनों के बाद लिया था, तो ये मेरा अभी तक का बेस्ट है। तो ये हिमालय का है और नरिशिंग स्किन क्रीम, लाइट एंड नॉन ग्रेसी, जैसा इस पर लिखा है ये आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। ओके, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। 50 ml क्वांटिटी होती है इसमें। एंड अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 75 rupees। एंड इसकी भी लाइफ जो है 4 ईयर्स की लाइफ है इसकी। एंड आप इसके बाकी के इन्ग्रीडियंट्स वगैरह भी इस पर ऑलमोस्ट देख सकते हैं। एलोवेरा है इसमें, काइनोट्री, विंटर्स चेरी नर्सिंग, सो बहुत ही अच्छा है ये मेरे अकॉर्डिंग। इसका अगर टेक्सचर देखें, पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। सॉरी मेरा कैमरा शेक कर रहा है, एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इसको ओपन किया, ये इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत पसंद आई। पहला लिड है ये, नेक्स्ट इस टाइप का लिड है, तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ रहता है इसमें। आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया है, ये इस तरह से आपको नहीं दिखेगा बट अब दिख रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है इसको। मुझे यूज़ करते 15 डेज हो गए हैं, बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर है। आप इसको मसाज कर लेंगे ना अपने फेस में अच्छे से, और इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना अच्छा मतलब लुक आ जाएगा आपका इसको लगाने। बस इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके मसाज कर लो अच्छे से, देन आपका मॉइस्चराइजर और ग्लोइंग फेस हो जाता है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, बट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यही था मेरा आज के 3 बेस्ट, मेरे अफोर्डेबल।
मॉइस्चराइजर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो भी आपको क्वेरी है, आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं उसी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए यही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।